नमस्कार दोस्तों, इंस्पिरेशन एकेडमी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चाणक्य नीति के अगले भाग को देखेंगे। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, राजा, बाघ, डंक करने वाला कीड़ा, छोटा बच्चा, दूसरों का कुत्ता और मूर्ख। जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है? वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते, जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ नहीं देता, वो ना किसी की रक्षा कर सकता है ना किसी को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा आदमी भला क्या कर सकता है? यदि नाग अपना फन खड़ा कर ले तो भी, भले ही वह जहरीला ना हो, तो भी उसका यह करना सामने वाले के मन में डर पैदा करता है। यहाँ यह बात कोई माने नहीं रखती कि वह जहरीला है या नहीं है। सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें। दोपहर को अपनी माँ को याद करें। रात को चोरों को ना भूलें। आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें, अपने हाथों से पवित्र ग्रंथों को लिखें। गरीबी पर धैर्य से मात दें। पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें। बासी अन्न को गर्म करें। अपनी कुरूपता पर अपने अच्छे व्यवहार से मात करें। जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है यदि उसके पास विद्या है। लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वह तो सब प्रकार से निर्धन है। हम अपना हर कदम फूक फूक कर रखें। हम छाना हुआ जल पिएं। हम वही बात बोलें जो शास्त्र सम्मत है। हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानीपूर्वक सोच चुके हैं। Thank you for watching this video. Please like and share, and if you are new to the channel, please subscribe. Thank you.